हेलो गाइस, मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। वेलकम टू आवर चैनल वैली टूरिज। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ IS 456 2000। ये हमारी IS कोड लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉलम। तो आज हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू IS 456 कॉलम क्या होता है, और इस कॉलम दूसरी जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे कि कॉलम के कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456। तीसरी जो चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू IS 456 कॉलम में रीइंफोर्समेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। चौथी हम जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ होना चाहिए कॉलम में अकॉर्डिंग टू IS 456। और पाँचवीं चीज़ देखेंगे कि कवर की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कॉलम में। आइए, तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कॉलम। कॉलम क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर। कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 3 times ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। यानी कि कॉलम एक ऐसा कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 times से ज़्यादा हो। अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होती है, तो आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक कॉलम है जिसकी विड्थ 300 mm है और डेप्थ 200 mm है। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा ये इसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगी, दैट इज़ 200 mm। अब देखते हैं कि 3 times ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि 3 times ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज इक्वल टू 3 × 200 इज इक्वल टू 600 mm। अब अगर मेरे इस कंप्रेशन मेंबर की जो इफेक्टिव लेंथ है वो ज़्यादा होगी 600 mm से, तो ये जो कंप्रेशन मेंबर होगा मेरा वो कहलाएगा कॉलम। और अगर इसकी इफेक्टिव लेंथ 600 mm से कम होगी तो कॉलम नहीं कहलाएगा। कॉलम नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? तो फिर ये कहलाएगा पेडेस्टल। यानी कि पेडेस्टल भी कंप्रेशन मेंबर है जिसकी इफेक्टिव लेंथ उसके 3 times ऑफ लेटरल डायमेंशन से कम होती है। अब हम देखते हैं कि कॉलम कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉलम। तो कॉलम 2 types के होते हैं, पहला लॉन्ग कॉलम और दूसरा शॉर्ट कॉलम। अगर कोई कॉलम जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से ज़्यादा हो तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा, और अगर स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम होगा तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। अब हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट इन कॉलम। तो कॉलम में जो रीइंफोर्समेंट है वो 2 तरह से होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और दूसरा लेटरल रीइंफोर्समेंट। लेटरल रीइंफोर्समेंट, तो ये मान लो मेरा कॉलम है तो इसके जो वर्टिकल बार हैं ये कहलाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, और ये जो रिंग्स हैं ये कहलाएगी हमारी लेटरल रीइंफोर्समेंट। अब जो लेटरल रीइंफोर्समेंट है वो 2 तरह से दे सकते हैं, स्टिरअप के फॉर्म में या फिर स्पायरल के फॉर्म में। ये मेरे 2 कॉलम हैं जिसमें ये रिंग्स जो है स्टिरअप्स कहलाएंगी और ये स्पायरल कहलाएंगी। आइए, तो अब हम लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 पहला जो पॉइंट याद रखना है हमें वो ये है कि मिनिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट वो कितना होना चाहिए, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। यानी कि मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया एंड मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। तीसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है वो ये है कि डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का जो डाया है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम क्या होता है। तो ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम यानी कि कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। ये मान लो मेरा कॉलम है जिसकी विड्थ बी है और डेप्थ डी है, तो इसका ग्रॉस एरिया क्या होगा, बी इंटू डी। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार कितनी होनी चाहिए कॉलम में। तो ये होना चाहिए रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 और सर्कुलर कॉलम में 6। यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 4 vertical bar होनी चाहिए और किसी भी सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 vertical bar होनी चाहिए।
तो पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट अलोंग द पेरीफेरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट का जो डिस्टेंस है मैक्सिमम वो 300 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छठा जो पॉइंट है वो है पेडस्टल के लिए, तो वो है कि मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट जो होना चाहिए पेडस्टल में वो होना चाहिए 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ पेडस्टल। अब हम देखते हैं लेटरल रिइंफोर्समेंट। तो लेटरल रिइंफोर्समेंट के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, तो डाया कितना होना चाहिए लेटरल रिइंफोर्समेंट का, तो वो होना चाहिए 1/4 ऑफ मैक्सिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm, दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो। फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉलम है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल बार का जो मैक्सिमम डाया है वो है 20 mm, तो 20 mm का 1/4 दैट इज 5 mm एंड दूसरा 6 mm, दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 6 mm, तो डाया ऑफ रिंग या स्टीरअप बार 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिमम स्पेसिंग लेटरल रिइंफोर्समेंट की कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, दूसरा 16 times ऑफ स्मॉलर डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार और तीसरा 300 mm, इन तीनों का जो मिनिमम होगा वो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कॉलम है जिसकी विड्थ है 200 mm और डेप्थ है 150 mm, तो इसकी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो जाएगी 150 mm, और मान लो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसका स्मॉलर डाया है 12 mm, तो 16 times ऑफ 12 mm इज इक्वल टू 192 mm और तीसरा है 300 mm, तो तीनों का जो मिनिमम होगा वो होगा 150 mm। इसका मतलब जो इसमें स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप या रिंग है वो 150 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ होना चाहिए कॉलम में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 फॉर एनी RCC वर्क मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो होता है M20 और फॉर एनी PCC वर्क मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है M15, यानी कि किसी भी RCC वर्क में M20 से कम ग्रेड का कंक्रीट यूज़ नहीं होना चाहिए और किसी भी PCC वर्क में M15 से कम ग्रेड का कंक्रीट यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉलम हमारा एक RCC स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो होगा M20। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है नॉमिनल कवर इन कॉलम, कॉलम में नॉमिनल कवर कितना होना चाहिए। तो कॉलम में कवर जो है वो मिनिमम 40 mm होना चाहिए, 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कॉलम की लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है वो 200 mm या उससे कम है और लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट 12 mm से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में कॉलम में जो कवर है वो 25 mm प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी अभी हमने देखा कि हमारे कॉलम में जो मिनिमम नॉमिनल कवर है वो 40 mm होना चाहिए या फिर स्पेशल केस में 25 mm भी हो सकता है। तो देखना ये है कि नॉमिनल कवर होता क्या है, तो आइए समझते हैं। देखिए कवर जो है वो दो तरह का होता है, एक तो क्लियर कवर, इसे ही हम नॉमिनल कवर कहते हैं, और दूसरा इफेक्टिव कवर। आइए तो अब हम देखते हैं कि नॉमिनल कवर किसे कहते हैं और इफेक्टिव कवर किसे कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं नॉमिनल कवर या क्लियर कवर। तो ये मान लो मेरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, तो इसके जो आउटर मोस्ट सरफेस है वहाँ से लेके आउटर मोस्ट रिइंफोर्समेंट तक की जो क्लियर डिस्टेंस है उसे क्लियर कवर कहेंगे। और उसी तरह अगर ये मेरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन है तो इसका आउटर मोस्ट सरफेस से लेके जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है उसके सेंटर तक की जो क्लियर डिस्टेंस है उसको इफेक्टिव कवर कहेंगे। तो ये हुआ हमारा क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर में डिफरेंस। आइए अब हम एक लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर के बारे में जानते हैं। तो कवर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो ये है कि टॉलरेंस जो होता है कवर में वो +10 mm या -0 mm होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मान लो किसी ड्राइंग में किसी एलिमेंट का जो क्लियर कवर है वो 40 mm दिया हुआ है, तो 40 mm +10 mm यानी कि 50 mm ये चल जाएगा
लेकिन 40 mm माइनस 1 mm इज इक्वल टू 39 mm, ये नहीं चलेगा। मतलब कवर में प्लस 10 तक चल जाएगा लेकिन माइनस में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलिए तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।